हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है। मैं आपको उसका साइज बताती हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई है हमने 14.5 इंच लिए, तैयार में 14 इंच आएगी। शोल्डर में 6.5 इंच लिए, मोटे में 6.5 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए, जो डिजाइन कट करेंगे पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, शोल्डर से 3.5 इंच निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे और हम 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए इस तरह, देखिए जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ से हम 2 इंच में निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह, और नीचे से भी हम 2 इंच में निशान लगा लेते हैं इस तरह। हम 6.5 तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह हमने 2 इंच में निशान लगाया है। किस तरह देखिए, इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए, जो हमने 2 इंच में निशान लगाया है, यहां से हम 1 इंच में निशान लगा लेते हैं इस तरह। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए, इस तरह हमने कट कर लिया है। देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह आएगा। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज की तरफ है, इसके ऊपर लाइनिंग रखूंगी। देखिए इस तरह, और जो हमने बीच में नेक ड्रॉ किया है, इस तरह हम पूरे में सिलाई लगा देंगे, पूरे में। और ऊपर के लिए हम कैनवास और नेक पट्टी कट करेंगे। देखिए, कैनवास में डबल फोल्ड कर लिए और जो हमारा डाफ निकला था इसे हम सिलाई रखेंगे। सेम डाफे से हम कट करेंगे। अब सेम डाफे के हम नेक पट्टी भी कट करेंगे। नेक पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, मैंने नेक पट्टी भी कट कर ली, कैनवास भी कट कर ली इस तरह। देखिए, इस तरह मैंने बीच का नेक पिन से सेट कर लिया है। अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने बीच में पूरे में सिलाई लगा दी है। अब जो बीच का नेक है हम इसे कट करेंगे। देखिए, इस तरह हम बीच में से कट मार देंगे। बीच के नेक कट कर लिए, इस तरह हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे, इस तरह पूरे को। देखिए, इस तरह मैंने पूरा पलट लिया है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे ऊपर। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है और जो हमारा ऊपर का नेक है इसे हम कट करेंगे। तो देखिए, सेम डाफे हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह, अब हम इसकी नेक पट्टी तैयार करेंगे। देखिए, नीचे मैंने नेक पट्टी रखी है, ऊपर कैनवास रखी है, इसमें जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह फोल्ड करेंगे पूरे में। देखिए, मैंने नेक पट्टी तैयार कर ली है, ब्लाउज में लगाएंगे हम। देखिए, नीचे में ब्लाउज सीधे रख लिया है और जो नेक पट्टी में तैयार की थी इस तरह रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देते हैं। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, इस तरह हम अंदर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाते हैं।
कि मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है और देखिए मैंने नीचे फिनिशिंग भी दे दी है अलग से पट्टी लगा के देख सकते हैं। देखिए हमने ये गोल्डन कलर की लेस ली है, इस तरह हम पूरे में ये लेस लगाएंगे, किसी भी एक कोने से इस तरह हम लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह में अंदर वाले नेक में हमने पूरे में लेस लगा दी, देख सकते हैं। अब हम ओपन नेक पे लेस लगाएंगे। देखिए हमने ओपन नेक पे भी लेस लगा दी है। देखिए हमने रेडीमेड गोल्डन कलर की डोरी ली है, देख सकते हैं इस तरह। और देखिए इसे हम इस तरह क्रॉस में लगाएंगे। देखिए एक जो हमारा कोना जा रहा है यहाँ पे, इस तरह हम पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह हम इस कोने पे कट करेंगे, इस तरह अंदर पिन से सेट कर लेंगे। दूसरी डोरी इस कोने से लगाएंगे हम। चार कोने पे डोरी लगा दी है और देखिए इस तरह हम एक बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे। यहाँ पे एक पिन से सेट कर लेते हैं हम और उसके ऊपर से इस तरह नीचे लेते जाएंगे। यहाँ पे टांके लगा देंगे जिससे हमारी ये डोरी इधर उधर ना हो। इस तरह में डोरी लगा दी, देख सकते हैं हमारे पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी है, पूरे में लेस भी लगा दी है, ऊपर नेक पे भी मैंने लेस लगा दी है और देखिए हमने डोरी लगा दी है। और भी सुंदर लुक लाने के लिए हमने ये बटन लगाया है, देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक